हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल फॉर्मूला यूपीएससी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीएससी अथवा सीएससी का एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमारे एस्पिरेंट्स दोज़ हू आर बिगनर्स, उनको स्टार्ट करने से पहले दो चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। फर्स्ट वन इज़ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ देयर एज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमारे दो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्ट्स एंड सेकेंड वन इज़ साइंस और कॉमर्स। जैसे साइंस ग्रेजुएट में बहुत सारे हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आ जाते हैं। हमारे जो आर्ट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हमारे जनरल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, वो पढ़ने में ईजी होंगे। किंतु साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़े टफ होंगे ये सब सब्जेक्ट्स। इसीलिए जब भी हम सिविल सर्विस के एग्जाम के प्रिपरेशन के बात करते हैं, तो हमारे सामने एनसीईआरटी के बुक्स आते हैं। जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, वो 6 स्टैंडर्ड से लेकर के 12 स्टैंडर्ड तक के बुक आते हैं। जो हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक के बुक अगर फॉलो करेंगे, उनके लिए सही रहेगा। किंतु जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको 6 स्टैंडर्ड से ही बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बैकग्राउंड जनरल सब्जेक्ट्स की नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड है। दैट्स व्हाई उन्हें 6 स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि उनके फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे और उनको याद रखने में इजी रहेगा। एंड सेकेंड चीज, मैंने जैसे बताया एज, एज के हिसाब से कुछ एस्पिरेंट्स 10, 11, 12 स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ग्रेजुएशन लेवल से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ पढ़ाई ख़त्म करके या फिर कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ जॉब स्किप करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सबके जो प्रिपरेशन करने की तरीका है, वो अलग अलग है। सो हम प्रिपरेशन करने से पहले फर्स्ट थिंग, हमको डेली का जो न्यूज़ है, उसके बारे में अपडेट होना पड़ेगा। हम डेली हमारा नेशनल न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड हमारा रेडियो में जो न्यूज़ आता है रात को 8:45 to 9, वो न्यूज़ हमको ज़रूर सुनना पड़ेगा। वो हिंदी न्यूज़ एंड उसके बाद इंग्लिश में भी आते हैं, वो हमको सुनना चाहिए। एंड हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के बुक्स पढ़ना चाहिए। इससे क्या होते हैं, हमारे जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो बढ़ जाते हैं। एंड हम यूपीएससी के प्रिपरेशन करने से पहले शुरू से स्लो से ही शुरुआत करेंगे, एंड कॉन्फिडेंट के साथ ही शुरुआत करेंगे। एंड स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, 10, 12 के स्टूडेंट्स हैं, उनको नोट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद से ही नोट बनाना चाहिए। वो नोट के हमारे क्वालिटी बढ़ जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल के बाद। तो हमारे स्टूडेंट्स को ओनली अपडेट होना पड़ेगा एग्जाम्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। बाय बाय।